हेलो गाइस, मैं आज एक ब्लॉग लेकर आई हूँ। क्योंकि हम जब मनाली जा रही थी तो तब मैं ये सूट छोटा छोटा क्लिपिंग मैंने ली थी। तो यहाँ पे मैं ऑटो से, फिर मैं हमारा लोकल ट्रेन से सियालदा आई हूँ। तो सियालदा से हम लोगों को फिर से टैक्सी लेना पड़ेगा। ये सियालदा स्टेशन का अंदर है, तो ये बाहर का नज़ारा ऐसा है सियालदा स्टेशन का। तो देखिए, मैं और मेरा बेटा अभी इस जर्नी में तो एक साथ जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे मेरा हस्बैंड था और हम दोनों अकेले अकेले कैसे होता है दोनों, तो हम दोनों गई। तो ये देखिए, स्टेशन का बाहर, सियालदा स्टेशन का बाहर ऐसा है। यहाँ से हम लोगों को जाना पड़ेगा हावड़ा स्टेशन। हावड़ा, जो लोग इधर से है वो लोग तो जानते ही होंगे। तो ये पीछे है सियालदा पूरा स्टेशन का नज़ारा। तो अभी हम लोग टैक्सी जो है वो बुक करने के लिए आई हूँ। यहाँ पे काउंटर है, टैक्सी बुक करना पड़ता है और उसके बाद हमको ये टैक्सी मिला। तो यहाँ से हमको अभी जाना है हावड़ा स्टेशन। तो ये ऐसे करने से जो प्राइस होता है, मतलब जो भाड़ा होता है टैक्सी का, जो भाड़ा होता है ना, वो कम होता है। अगर आप जो टैक्सी इधर उधर मिलता है वो आप लो तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं ये लोग। अगर आप काउंटर से बुक करके आप टैक्सी लो तो आपको कम में मिलेगा। देखिए, कम करने का भी होता है, क्योंकि हम ज़्यादा क्यों दूँ, हो रहा है कम से मैं ज़्यादा क्यों दूँ, डबल देना पड़ता है बाहर से अगर आप टैक्सी लो तो। इसीलिए हम लोगों के पास टाइम था, इसीलिए हम लोग बुक करके ही टैक्सी लिया। तो देखिए, हम लोग अभी हावड़ा, ये जो ब्रिज है कलकत्ता का जो फेमस होता है हावड़ा ब्रिज, आप लोग सब जानते होंगे। ये हावड़ा ब्रिज के ऊपर से हम जा रहे हैं हावड़ा स्टेशन। तो ब्रिज के ऊपर वो उस पार है हावड़ा स्टेशन जो है, वहाँ से सब ट्रेन निकलते हैं। बाहर का जो ट्रेन है सब जाते हैं। सियालदा से कुछ कुछ ट्रेन भी जाते हैं, बट हमारा स्टेशन, हमारा जो ट्रेन था वो था हावड़ा स्टेशन से। अभी हम हावड़ा स्टेशन आ गई और अभी ट्रेन भी, हमारा ट्रेन भी आ गया है। तो हम ट्रेन में जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोगों को, हम दो ही जा रहे थे, तो इसीलिए हम एंजॉय करते करते हम लोग गए। तो अभी ट्रेन के अंदर गई और यहाँ पे जाके देखिए, मैं बैठ गई हूँ ट्रेन। मेरा जो सीट है वहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, क्योंकि एसी के पूरा नीचे था। तो ट्रेन के स्वर्ग में चढ़ चुका हूँ मैं, ठीक है। अभी रात की 8 बजे, ट्रेन 7:15 में छोड़े थे, ठीक है। मतलब 1 घंटा होने वाला है, ठीक है, 1 घंटा होने वाला है, ठीक है। और मम्मी अभी खा रहा है, ठीक है, दिखा रहा हूँ मैं आप, ये देखो मस्त खा रहा है। भैंस हो जाओगे, भैंस, मोटे भैंस हो जाओगे, इतना मत खाओ। ये मेरा, ये हमारा नहीं है, ठीक है। ये बेड जो है दूसरे दूसरे का है, ठीक है। मम्मी ने बोला मेरे को इधर एसी में जो है ठंड लग रहा है, तो मैं इधर नहीं सोया, तो उधर चला गया। तो अभी वर्धमान में अगर कोई उठेगा इस सीट में तो देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल मम्मी मस्त उधर मज़ा, मतलब मज़े से खा रहा है। मम्मी तो सो गया। अरे ये तो हाई कर रहा है, मैंने सोचा कि नींद आ गई होगी। यार दूसरे के बेड पे लेट के मस्त सो रहा है, वाह।
बढ़िया। फाइनली वी रीच इन वर्धमान। पता नहीं चला भाई कब वर्धमान आ गया। फाइनली रात का मील जो है आ चुका है। मम्मी भी मेरे साथ स्वर्ग में आ चुका है, ठीक है। अंडा अंडा काढ़ी दिया है, दो अंडा काढ़ी है। ये क्या है? रोटी। ये रोटी जैसा तो कुछ लग नहीं रहा है। रोटी है, मम्मी ने बोला है तो रोटी ही होगा। भाई मिठाई दिया है भाई तेरे लिए। हाँ मेरे लिए, ये तो मैं ही खाएगा। तू तो भुखर है मिठाई के लिए। भुखर क्या, पूरा दुकान खा जाऊंगा अगर मौका मिले तो। किसी मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मिठाई वाली के लड़की के साथ शादी कर लेंगे। पूरा दुकान ही खरीद लेंगे। ना ना नहीं नहीं गिरोगे तुम, इसको पकड़ के रखो। हाँ ये मम्मी मम्मी एक निवाला मुंह में डाल दो। अरे हाथ से खाओ ना, कौन चम्मच से खाने को बोला, अंग्रेज का जमाना चला गया। ये खा लिया, मैं भी खा लेता हूँ फिर आता हूँ। चलो ये चम्मच से नहीं हो रहा है, ठीक है हाथ से ही खाओ ना, क्या क्या दिक्कत है। चम्मच से हो रहा है, होगा होगा, ठीक है कोई ना, चलो खा लेते हैं। खाना पीना तो हो रहा है, उसके बाद हम सो जाऊंगी। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, ट्रेन का जो सफ़र अभी चालू है। तो गुड नाइट अभी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू।